महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज सुनते हैं महाशिवरात्रि की व्रत कथा। शिव पुराण के अनुसार एक नगर में चित्रभानु नाम का शिकारी अपने परिवार के साथ रहा करता था। उस पर साहूकार का बहुत कर्ज था। कर्ज ना चुकाने पर उसे साहूकार ने बंदी बना लिया। उस दिन शिवरात्रि थी। वो भूखा प्यासा रहा और दिन भर भगवान शिव का स्मरण करता रहा। शाम को साहूकार ने चित्रभानु को छोड़ दिया और एक दिन के अंदर कर्ज चुकाने को कहा और फिर चित्रभानु उसी हाल में जंगल की ओर चला गया ताकि कोई शिकार मिल जाए। रात हो गई थी और कुछ भी हाथ नहीं लगा। वो एक तालाब के पास एक पेड़ पर चढ़ गया थोड़ा पानी लेकर। वो एक बेल का पेड़ था और उसके नीचे एक शिवलिंग था। इस बात का उसे पता नहीं था क्योंकि वो शिवलिंग बेल पत्रों से ढका हुआ था। उसने दिन और रात कुछ नहीं खाया। ऐसे में उससे शिवरात्रि का व्रत हो गया। रात और होने लगी। एक हिरनी तालाब में पानी पीने आई। वो गर्भवती थी। उधर मौका देखकर चित्रभानु ने धनुष बाण तैयार करके चढ़ाया और उसके हाथ के धक्के से थोड़ा पानी और कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे। तभी हिरनी की भी नजर उस शिकारी पर पड़ गई। तभी हिरनी ने चित्रभानु से कहा, मेरे पेट में बच्चा है और जल्द ही होने वाला है। मैं बच्चे को जन्म देकर इस स्थान पे फिर आ जाऊंगी और तब तुम मेरा शिकार कर लेना। अभी शिकार करोगे तो तुम मेरे बच्चे को भी मार डालोगे। शिकारी उसकी बात मान गया और उसने हिरनी को वापस जाने दिया। उसी बीच पेड़ से कुछ और बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे जिससे उसके रात्रि के प्रथम पहर की पूजा हो गई। कुछ समय बीता और एक और हिरनी वहां से जा रही थी। तभी चित्रभानु ने उस पर निशाना साधा। ठीक उसी प्रकार उसके हाथ के धक्के से थोड़ा पानी और बेलपत्र फिर से शिवलिंग पर जा गिरे। उस हिरनी ने शिकारी से निवेदन किया कि वो अपने पति की खोज कर रही है और वो जब अपने पति से मिल लेगी उसके बाद वापस आ जाएगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। रात्रि का आखिरी पहर चल रहा था। तभी एक और हिरनी अपने बच्चे के साथ पानी पीने आई। चित्रभानु ने उसे देखकर भी बाण चढ़ाया और फिर उसके बाण के धक्के से इस बार भी पानी और बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे और इस प्रकार उसकी आखिरी पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। उस हिरनी ने चित्रभानु से कहा, वो अपने बच्चे को उसके पिता को सौंप आएगी, फिर वो उसका शिकार कर सकता है। पर इस बार चित्रभानु ने कहा, मैंने पहले से दो शिकार छोड़ दिए हैं, अब मैं गलती नहीं करूंगा। हिरनी ने कहा, मैं पक्का वचन देती हूँ, मैं जरूर लौट कर आऊंगी। हिरनी के ऐसा कहने पर चित्रभानु ने उसे जाने दिया। और इधर शिकारी की शिव पूजा और रात्रि जागरण अनजाने में हो गया और फिर सुबह हो गई और वहां से एक हिरण गुजरा। शिकारी को देखते ही हिरण ने कहा, अगर तुमने तीन हिरण और उनके बच्चों का शिकार किया है तो तुम मुझे भी मार डालो क्योंकि वो मेरा परिवार थे और मैं उनके वियोग में नहीं जी पाऊंगा। और यदि तुमने उन्हें छोड़ दिया है तो मुझे भी जाने दो, मैं उनसे दोबारा मिलकर यहाँ फिर आ जाऊंगा और तुम मेरा शिकार कर लेना। इस प्रकार शिकारी ने पूरी रात की घटना हिरण को बताई और उसने हिरण को भी जीवन दान दे दिया। शिवरात्रि का व्रत करने और अनजाने में भगवान शिव का पूजन करने के प्रभाव से चित्रभानु का मन निर्मल हो गया। वो पाप रहित हो गया। कुछ समय बाद वो हिरण अपने पूरे परिवार के साथ शिकारी के सामने आ गया ताकि वो उनका शिकार कर ले और उनका वचन पूरा हो जाए। हिरण और उसके परिवार की वचनबद्धता देखकर
चित्रभानु बहुत हैरान हुआ। आत्मगिलानी के कारण चित्रभानु ने उस हिरण के परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में ही सही शिवरात्रि का व्रत करने से चित्रभानु को पुण्य लाभ प्राप्त हुआ और उसकी मृत्यु के बाद शिवगण उसकी आत्मा को अपने साथ शिवलोक ले गए। तो ये थी महाशिवरात्रि की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।